आज इसके अंदर का रावण मार गिराऊंगी मैं। ए पागल हो गया, मर जाऊंगा मैं। क्या पागल पंटी कर रही है तू? ए चटनी, बचा ले मुझे अपनी पागल मम्मी से। मम्मी छोड़ दो पापा को, मर जाएंगे ये। फिर करवा चौथ पर किसकी पूजा करोगी आप? देख पागल हो गया, ये ठीक कह रहा है, करवा चौथ भी आने वाला है, मुझे छोड़ दे तू। नहीं, आज मैं तेरे अंदर का रावण मार के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में। अरे ससुरी, मेरे अंदर रावण कहाँ है जो तू मारेगी? उल्टा रावण के चक्कर में इतने रोमांटिक पति को तू मार डालेगी। मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ, तेरे अंदर जो बुराइयाँ है, तू जो दारू पीता है, गांजा फूंकता है, मेरे पैसे चुराता है, दूसरी औरतों से सेटिंग करता है, मैं इन सब बुराइयों को मार दूंगी और तुझे एकदम नया फ्रेश हस्बैंड बना दूंगी। अरे पागल हुआ, अगर ये तीर मुझे लग गया ना तो मैं डल करके मर जाऊंगा और मेरी हरकतों पर कोई असर नहीं होने वाला। हे राम, सही में औरतों का दिमाग घुटनों में ही होता है। अरे तू मर जाएगा तो क्या हो गया? ये मैं यमराज से छीन लाऊंगी, मैं किसी सती सावित्री से कम दिखती हूँ क्या? अरे पगलिया, मैं तुझे कैसे समझाऊं, मैं मर जाऊंगा, तुम कह लेना तू, मैं मर जाऊंगा, सांस भी नहीं लूंगा मैं। फिर तू यहाँ पर फूट फूट के रोएगी, आए हमें छोड़ के चले गए, ये मैंने क्या कर दिया, और मैं तुझे यमलोक से देख रहा हूँगा। देख तो मुझे मत बता मुझे क्या करना है। तू अगर मर गया तो मैं तुझे यमलोक से उठा लाऊंगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो रखती हूँ अपने अंदर, पर तेरे अंदर का ये रावण मैं मार के ही रहूंगी। मैं नहीं चाहती तू दारू पी करके नालियों में पड़ा रहे, फिर हर करवा चौथ का तेरा लौंडा तुझे नालियों से उठा करके लेके आए और मैं तुझे पानी डाल डाल कर नहलाऊं, तैयार करूं, फिर तेरी पूजा करूं। अरे ससुरी, मैंने अपना लौंडा पैदा इसीलिए दिया है, दारू पी के नालियों और नालों में गिरूं और वो उठा उठा करके मुझे लाए, मेरी मदद करे, इसमें तुझे क्या दिक्कत है? मम्मी, मैं नहीं लाऊंगा पापा को उठा करके, बोलने के सभी लोग मुझे देख देख करके हंसते हैं। तुम लोग ऐसा करो, कोई दूसरा लौंडा पैदा कर लो, मैं जा रहा हूँ अमेरिका पढ़ाई लिखाई करने, बहुत हो गया ये सब ड्रामा, मुझे बच दो भैया। ठीक है मम्मी, मुझे बताओ करना क्या है इस पापा का, मैं इसके अंदर का रावण निकालने में आपकी पूरी मदद करूंगा। ए तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मेरे अंदर कोई रावण थोड़ी है जो तुम लोग मारोगे उसे। बेटा चटनी, ये तो पागल औरत है और तू इसे और पागल कर देगा, जा जल्दी पुलिस को बुला करके ला, वरना ये मेरा कत्ल कर देगी आज। चटनी, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, सिर्फ मेरी सुन, क्योंकि ये नहीं बोल रहा है, इसके अंदर का रावण बोल रहा है, रावण। ठीक है मम्मी, मैं रावण की बिल्कुल नहीं सुनूंगा, जैसा जैसा आप बताओगी वैसा वैसा करूंगा मैं। हाँ, तो करना ये है, जैसे तांत्रिक बाबा भूत निकालते हैं लोगों के अंदर से, वैसे ही हम लोगों को तेरे बाप के अंदर से रावण निकालना होगा। अरे मम्मी, ये तो बहुत मजेदार काम है, मम्मी मैं लठ लेकर के आता हूँ, बजाता हूँ पापा के ऊपर, पापा के अंदर से रावण ऐसे निकलेगा जैसे संडे के बाद मंडे निकल आता है। मम्मी मुझे भी पापा तो बजाना है। तू बिलंदिया मंत्र पढ़ेगा मंत्र, ठीक है? कौन सा वाला मंत्र पढूं मम्मी मैं, मुझे कोई मंत्र याद नहीं है। अरे भूत बुलाने का मंत्र पढ़ना है तुझे, अभी तो इसके अंदर से भूत निकलेगा। मम्मी हम लोग तो रावण निकाल रहे हैं, भूत थोड़ी। अरे हाँ रावण। मम्मी रावण बुलाने का कौन सा मंत्र होता है? अरे भूत बुलाने का तो मंत्र मुझे याद है, लेकिन रावण बुलाने का मंत्र याद नहीं है, एक मंत्र को याद करने दो। बेटा बिलंदिया, भूत परेड तो होते नहीं है, हाँ चुड़ैल जरूर होती है जो की सामने खड़ी है। ए तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा रावण, ये मंत्र याद करने दे। मम्मी मैं डंडा ले आया, बताओ चलाना शुरू करूँ? रुक, मंत्र याद करने दे मुझे। हाँ, अंडी मंडी संडी जो ना बोले। नहीं, ये नहीं है। हाँ, अंडा मंडा संडा, रावण ना निकले तो मार डंडा। अरे वाह, क्या मंत्र बनाया है मम्मी आपने, बिल्कुल दिल खुश हो गया मेरा तो। बोल बिलंदिया तू मंत्र, और चटनी तू डंडे पर जा, जब तक रावण नहीं निकल आता इसके शरीर से। हाय रे, हाय तो जुलम ना कर अपने बाप पे, मैं मर जाऊंगा। हाय रे, ए भगवान बचा ले मुझे, ये पागल औरत हो गई है, कोई मेरा टुंटा क्यों नहीं है। देख रहा है चटनी, रावण तेरे डंडों से डरने वाला है, पहले से ही रोने लगा, अब हमारा काम और आसान हो गया, हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे।
भैया हुई जाओ शुरू, हम मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। हाँ बोल भाई। अंदा मंदा छंदा लावल ना निकले तो माल दंदा। नहीं 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 इस पागल औरत से छुड़वा दो मुझे भगवान, मैं अकेला जीना चाहता हूँ। बिलंदिया रुक क्यों गया तू, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़, ऐसे ढील देगा तो रावण कभी नहीं निकल पाएगा। मम्मी तुम तो कोई काम ही नहीं कर रही हो, स्टैचू बन कर के खड़ी हो, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अरे पागल मैं यहाँ निशाना तान करके खड़ी हूँ, जैसे ही रावण इसके शरीर से निकलेगा वैसे ही मैं तीर छोड़ दूंगी और रावण को लग जाएगा। अगर मैं यहाँ तीर तान के नहीं खड़ी होंगी तो रावण एकदम से निकल के पता नहीं कहाँ चला जाएगा। बेटा बेटा टिटनी ये पागल औरत हो गई है, कम से कम तुम तो पागल पंटी मत करो बेटा। मेरे लाल मेरे पूत अपने बाप को ही मार रहा है सुअर की औलाद, तुम तो शर्म कर। पापा जी हम आपकी मदद कर रहे हैं, ज्यादा तेज से डंडे नहीं मारूंगा और जल्दी ही आपके अंदर से रावण भी निकल जाएगा, फिर आप एकदम ठीक हो जाओगे। टिटनी ये इसके अंदर का रावण बोल रहा है, तू इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे। और हाँ अगर तू धीरे धीरे डंडे बरसाएगा तो रावण बिल्कुल नहीं निकलेगा, मुझे बहुत तेज डंडे बरसाने होंगे तभी रावण एकदम से भाग खड़ा होगा। हाँ मम्मी ठीक कहा आपने, मैं जिम करने वाला लौंडा हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा, आज जिम नहीं जाऊंगा मैं। चल जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू कर तू बिलंदिया। हाँ मम्मी तीत है, अंधा मंडा चंडा लावल ना निकले तो भैया माल दो दंडा, निकाल रावण। अंडा मंडा छंडा रावण ना निकले तो मारो डंडा, निकाल रावण। अंडा मंडा छंडा लावण ना निकले तो भैया माल दो डंडा, निकाल रावण। अरे ऐसे तो ये मेरा पिछवाड़ा ही तोड़ देगा, मैं तो बैठने के लायक ही नहीं रहूंगा, मुझे कुछ करना होगा। नहीं नहीं ऐसे काम नहीं करने वाला, मुझे जरूर कुछ करना होगा। ऐसा करता हूँ रावण के निकलने की नकली एक्टिंग करता हूँ, इन लोगों को लगेगा कि रावण निकल आया और ये मुझे मारना बंद कर देंगे, ये ज्यादा ठीक रहेगा। देखो मम्मी रावण निकल आया, इसी का ही तो मैं तहे दिल से इंतजार कर रही थी। जय श्री राम। नहीं 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 हे राम हे राम हे राम। मम्मी पापा गए। क्या कहा, मैंने तो रावण को मारा था। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उठा उठा चंडी पापा को उठा जल्दी। उठो उठो, अरे उठ क्यों नहीं रहे हो। अरे चले गए यार, तुमने पापा को उड़ा दिया। मम्मी तुम सच में पागल हो गई हो, अब हमारे पापा कैसे आएंगे। अरे नहीं चटनी ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तो रावण को मारा था, तेरे बाप को थोड़ी ना। उठो उठो, उठ के नहीं रहे हो। मम्मी लगता है रावण के साथ साथ पापा भी चले गए हैं। तू चुप कर बिलंदिया, मेरा दिमाग खराब मत कर, ये मैंने क्या कर दिया। हे राम। मम्मी मुझे मेरे पापा ला करके दो, मैं तुम्हारा नालिक से निकाल लाऊंगा, लेकिन मेरे पापा ला करके दो मम्मी। हाँ मैं तेरे पापा को ला करके रहूंगी, मुझे यमलोक जाना पड़ेगा। मम्मी मुझे नहीं पता, चाहे आप यमलोक जाओ चाहे कोई से भी लोग जाओ, मुझे मेरे पापा ला करके दो। मैं तेरे पापा को ला करके रहूंगी चट्टी, जा मैंने डार्क वेब से रॉकेट खरीद के रखा है, उसको लेके आ, जे अभी यमलोक निकलना पड़ेगा। मम्मी रॉकेट तैयार है जल्दी जाओ। मम्मी मैं भी चलूंगा, मुझे चोल के मत जाओ, भैया बहुत मालता है मुझे। नहीं बेटा तेरा भैया तुझे नहीं मारेगा, ये लो तुम लोग एक एक रुपए पकड़ो, चीज खा लेना, मैं करवा चौथ से पहले आ जाऊंगी तेरे बाप को लेकर के। मम्मी यार एक रुपए में क्या भला होगा आज के जमाने में, कम से कम 100 रुपए तो दे करके जाओ। ठीक है मेरे पर्स में जितने चाहिए उतने रुपए निकाल लो जा करके। मम्मी यमराज जी पापा को वापस कर देंगे ना। यमराज जी को वापस करना होगा, मैं किसी सती सावित्री से कम नहीं हूँ। अब जाने दो मुझे जल्दी। ठीक है मम्मी जाओ, ख्याल रखना, बाय। ठीक है तुम लोग भी अपना ख्याल रखना, बाय चटनी बाय बिलंदिया, आप लोग भी ख्याल रखना गाइस, मिलते हैं यम लोग वाली सीरीज में, बाय बाय टेक केयर।